और बीजेपी नेता राम कदम का ट्वीट सामने आया। नोटों पर पीएम मोदी की लगी तस्वीर ट्वीट की है इन्होंने। शिवाजी, अंबेडकर और सावरकर वंदनीय हैं, ये कहा है राम कदम ने। विपक्ष पर भी निशाना साधा, विपक्ष को चुनाव में देवता याद आते हैं, ये कहा है राम कदम ने। तो कल से, जब से अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये नोट पे माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की फोटो को लेकर के अपना व्यू सामने रखा गया, उसके बाद लगातार इस तरीके से ट्वीट भी आ रहे हैं और ट्वीट के जरिए अरविंद केजरीवाल पर निशाना भी बीजेपी साध रही है। हर पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से अपने अपने व्यूज रखे जा रहे हैं और बीजेपी नेता राम कदम का ये वो ट्वीट और ये वो नोट देखिए किस तरीके से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पे फोटो आपको दिखी, नोट पर पीएम मोदी की लगी तस्वीर इन्होंने दरअसल ट्वीट किया। शिवाजी, अंबेडकर और सावरकर वंदनीय हैं, ये भी कहा उन्होंने, और विपक्ष पर निशाना साधा, विपक्ष को चुनाव में देवता याद आते हैं। ट्वीट क्या उन्होंने किया था वो आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नोटों पर। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। गणेश लक्ष्मी की जो तस्वीर वाली डिमांड थी, जो सुझाव थी, उस पे ये ट्वीट, अखंड भारत, नया भारत, महान भारत, जय श्री राम, जय माता दी, ये वो दो नोट इन्होंने ट्वीट किए हैं। राम कदम का वो ट्वीट मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ। शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सावरकर, उनकी तस्वीर देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देगी, इस बात को कोई नकार नहीं सकता, वो हम सभी के लिए वंदनीय हैं, हमारे देश को विश्व गौरव दिलाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महान त्याग, समर्पण, परिश्रम, ये जिक्र इन्होंने किया अपने ट्वीट के जरिए। और फिर दो नोटों की जो तस्वीर है वो भी इन्होंने ट्वीट की है। तो ओछी राजनीति से प्रेरित कुछ नेताओं ने देवी देवताओं की तस्वीर नोट पर होनी चाहिए, ये मांग चुनाव को देखकर की है। अगला ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं, किंतु वो दिल के ईमानदारी से बात करते तो देश उसे स्वीकार करता, पर उनका अतीत बताता है कि उन्हें केवल चुनावों में हमारे देवी देवता याद आते हैं। राम कदम का वो ट्वीट इस वक्त आप देख रहे हैं और ये वो नोट। तो देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नोटों पर गणेश लक्ष्मी की तस्वीर लगाने पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने करेंसी पर बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि एक तरफ महात्मा गांधी की फोटो हो, दूसरी तरफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाई जाए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ट्वीट के बाद लगातार देखिए किस तरीके से कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने भी करेंसी पर बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो लगाने की मांग कर दी है। तो ट्वीट क्या है वो भी आपको दिखा दें। इन्होंने ट्वीट किया, नोटों की नई सीरीज पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो क्यों ना हो, ये उन्होंने ट्वीट करके पूछा है। एक तरफ महान महात्मा गांधी और दूसरी तरफ भीमराव अंबेडकर, अहिंसा, संविधानवाद और समतावाद का प्रतीक है ये। उन्होंने ये भी कहा, एक महान प्रतीक होगा ये जो आधुनिक भारतीय प्रतिभा को पूरी तरह से जोड़ेगा। मनीष तिवारी की तरफ से, कांग्रेस लीडर की तरफ से ये ट्वीट किया गया। भारत का सवाल है, देखिए जो आपकी करेंसी है, जो नगदी है, वो आपकी प्रभुसत्ता का प्रतिबिंब है, और वो जो प्रभुसत्ता है उसको दिलवाने में महात्मा गांधी जी की सबसे अहम भूमिका रही है, क्योंकि भारत के आज़ादी आंदोलन के पीछे वो एक बहुत बड़ी नैतिक शक्ति थी। उसके साथ साथ उस प्रभुसत्ता को अगर संवैधानिक अमली जामा किसी ने पहनाया तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पहनाया। तो अगर भारत की जो नगदी है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है, उसमें एक तब्दीली करनी है, तो उसमें इतना लचीलापन है कि आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भी उस पर चित्र लगा सकते हैं। तो नोट पर तस्वीर लगाने को लेकर के सियासत जारी है। पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की मांग की, फिर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अंबेडकर की फोटो लगाने की मांग की, और अब नीतीश राणे ने नोट पर शिवाजी की तस्वीर लगाने को लेकर ट्वीट किया कि ये परफेक्ट है। ये तीन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कोई लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने के लिए मांग कर रहा है, सुझाव दे रहा है, तो अंबेडकर का भी जिक्र किया गया। मनीष तिवारी ने कहा कि ये नेक सलाह है, इसको समझना चाहिए। फिर नीतीश राणे का ट्वीट आता है कि ये परफेक्ट है, शिवाजी की तस्वीर नोट पे होनी चाहिए। ये तीन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तीन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से सुझाव दिए गए हैं इंडियन करेंसी के ऊपर,
जो नोट है उसके ऊपर किसकी तस्वीर होनी चाहिए। और इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की मांग की थी, उसके बाद विपक्षी दलों ने उन पर निशाना साधा था। हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ अपने कमरे में ज़रूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज़ सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए तो किस प्रकार से यूटर्न किया जाता है आज ही हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यूटर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। जब संविधान सेकुलर है, थियोक्रेसी नहीं है, धर्मतंत्र नहीं है, तो और धर्मों को भी तो देखना पड़ेगा। यहाँ पूरे बुद्धिस्ट भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, तो केवल वोट के लालच में इस देश के संविधान को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं केजरीवाल। तो जबरदस्ती यह कह देते हैं कि मुझे गाली दे दो लेकिन मेरे कृष्ण को और राम को गाली मत दो, यानी सवाल भी खड़ा करते हैं और जवाब भी देते हैं, तो ये कम्युनलाइज और करना चाहते हैं। तो बीजेपी इनमें कंपटीशन है, वो बीजेपी के बी टीम तो है ही, तो बी टीम का काम कर रहे हैं बस। तो देखिए, नोट पर सियासत में बीजेपी की भी एंट्री हुई। बीजेपी के नेता है नीतीश राणे, उन्होंने ट्वीट किया नोट पर शिवाजी की तस्वीर, इन्होंने ट्वीट की है बड़ी खबर इस वक्त की। ये वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी के नेता नीतीश राणे की तरफ से ये ट्वीट किया गया और नीतीश राणे ने ट्वीट करके ये वीर शिवाजी की तस्वीर नोट पे देखिए ये दिखाई कि ये एक परफेक्ट मैसेज होगा, ये होना चाहिए, ये इन्होंने कहा है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि नोटों की लड़ाई पर कैसे अब नीतीश राणे की भी एंट्री हो चुकी है और उनकी तरफ से ये परफेक्ट है। उनका ये ट्वीट आप देख रहे हैं इस वक्त, जो कोट उन्होंने किया, जो लिखा है, ये परफेक्ट है और उसके नीचे ये भारतीय करेंसी जो नोट है वो लगा दी और उस पे वीर शिवाजी की फोटो यहां पर लगाकर उन्होंने ट्वीट किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो हमारे करेंसी पे लगाया जाए, ऐसी भावना मैंने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से व्यक्त की है। ये मेरी वैयक्तिक भावना है और ये भावना एक ऐसे महापुरुष के बारे में है जिसको सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में नहीं मगर पूरे विश्व में एक मानने वाला बहुत बड़ा वर्ग है। मेरी ये भावना है कि हमारे करेंसी पे छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।